समय में मुख्य बाजार सराफा बाजार में खड़ा हूँ, तो लॉकडाउन के देखते हुए, कोरोना वायरस को देखते हुए पूरा मार्केट आज बंद है। यहाँ सारी दुकानें बंद हैं, जो ऊपर से आदेश जो मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी और मैं हूँ आपके साथ रेणु कर्मा। देश के कई राज्य एक एक बार लॉकडाउन की घोषणा करती नजर आ रही है। अगली बार कोरोना पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है और लगभग सभी राज्यों में हालत बद से बदतर होती जा रही है। पहले लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक हुआ था तो यहाँ के लोग एक बार फिर अपने काम धंधों पर प्रदेश लौट गए थे, लेकिन अब फिर हालात खराब होने लगे हैं और फिर प्रवासी मजदूरों को एक बार फिर लॉकडाउन का डर सताने लगा है। सो वे धंधा पानी छोड़कर अपने अपने घरों को आने लगे हैं। रविवार को कोरोना कर्फ्यू के दौरान तमाम प्रवासी मजदूर सड़कों पर अपने परिवारों के साथ आते दिखाई दिए। घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों का कहना है कि कोरोना की स्थिति खतरनाक होती जा रही है, ऐसे में कब लॉकडाउन लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पहली बार बड़ी कठिनाइयों के बाद अपने घरों तक पहुंचे थे, इससे अच्छा है कि वह समय से अपने घर पहुंच जाए। स्वागत जिंदगी के लिए भानु प्रताप सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। दमन कौन कहाँ है? राजकोट के पास। कहाँ से, मतलब किस वाहन से आई हैं? जी, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है, आप कैसे निकल आए आज? वो तो टिकट है ना मेरा। आया बस ही आया। कौन जगह? सूरत से आ रहा है। सूरत कहाँ जा रहा है? नदी गाँव जा रहा है। क्या काम से आ रहा है आप? घर है नदी गाँव जी। आज उत्तर प्रदेश में पूरे में जो है लॉकडाउन लगा है, रविवार के रविवार लगेगा, जो आदेश दिए हैं मुख्यमंत्री ने उनका पालन करते हुए आप कैसे निकल आए? कहीं चेकिंग वेकिंग नहीं हो रही है? कहीं चेकिंग हुई आपकी? जिला अभिरुचि भानु प्रताप सिंह कुशवाहा के साथ, कैमरामैन प्रमोद कुमार सिवारे के साथ।